है, इसलिए इस बैकग्राउंड के लोग भी इस प्रोफेशन में जा रहे हैं।
प्रकृति की सेवा के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड मुझे लगता है कि मानव समाज की बड़ी भारी सेवा कर रहा है। आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उसके लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं आप सबको, खासतौर से जिन्हें अभी मेडल दिए गए उनको भी मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। मेडल्स की संख्या सीमित होती है और इसलिए जिसको नहीं मिला है मुझे लगता है कि उसको भी उत्साह से ही आगे आने वाले दिनों में काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की मिट्टी आप सबको पता है कि सैविज्म बुद्धिज्म की खुशबू है। और एक छोटी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, एक बड़े प्रसिद्ध बौद्ध गुरु से उनके शिष्य ने एक सवाल किया कि गुरुवर बुद्धिज्म है क्या, तो उनका जवाब जो था वो मुझे लगता है कि गौर करने लायक है। हवा चलने पर बांस के पेड़ों से जो आवाज आती है वही बुद्धिज्म है। नेचर, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर के भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन मुझे लगता है कि पुरातन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति का यह अंग रहा है। और आज जो सभी 98 फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग के साथ मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखना होगा। कुछ दिन पहले एक मैगजीन ने फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनसंग हीरोज, ने गुमनाम नायक। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक ये हीरो हैं, लेकिन ये गुमनाम नहीं है। जिन मुश्किल इलाकों में आगे चलकर आप और आपके सीनियर अफसर रोज काम करते हैं और अनगिनत बाधाओं से जूझते हैं, चाहे वह शिकारियों से निपटना हो, अतिक्रमणकारियों, तस्करों, माफियाओं से लोहा लेना हो, आजकल बढ़ रहे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को संभालना हो, जंगल की आग से जूझना हो, मैं मानता हूं कि जान जोखिम में डालकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के लिए जो काम करता है वो अनसंग हीरो नहीं है, वह रियल हीरो है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जब भी पर्यावरण संरक्षण तथा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल अभियानों की चर्चा होगी, उसमें योगदान देने वालों में फॉरेस्ट गार्ड्स का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। आज अगर एशियाटिक शेरों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है तो इसमें उनका श्रेय है। वृक्षारोपण को अभियान की तरह चलाया जा रहा है आज, उसका श्रेय भी मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड्स को जाता है। मित्रों, हर साल जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तब देश नहीं पूरे विश्व में समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए आप लोगों के कठिन परिश्रम को याद किया जाता है। और आप तो बखूबी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा में पेड़ों का कितना महत्व है। हमारे यहाँ तो पेड़ की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ जंगल सभ्य समाज का अभिन्न अंग माने जाते हैं। ज्ञान, तप, शिक्षा सब जंगल से ही निकले और इसी सभ्यता की रक्षा की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ जा पड़ी है। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और ना ही हमारे बिना उनका अस्तित्व है। हम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जड़ों की गहराई से जुड़े हुए हैं। मित्रों, संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति की रक्षा और जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित पर्यावरण में
हृदय सभी जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखे। मैं समझता हूं यह हर भारतीय का कर्तव्य है और इसलिए मैं मानता हूं कि आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि संविधान में उल्लेखित निर्देशों का शत प्रतिशत पालन हो, खुद भी करेंगे और लोग भी करें, इसके लिए आपको आने वाले दिनों में प्रयत्न करना है। आप सब को शायद कोर्स के दौरान आसाम के फॉरेस्ट गार्ड दिव्येश्वर दास की कहानी जरूर बताई गई होगी। उन्हें अर्थ वॉरियर या जलवायु योद्धा भी कहा जाता है और न जाने कितने कितने नामों से उन्हें पुकारा जाता है। ऐसे लोग केवल आपके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर, जिसे हम फिरदौस पैराडाइज धरती की जन्नत कहते हैं, उसके प्राकृतिक संसाधनों की आप न सिर्फ रक्षा करेंगे, जैव विविधता को सुरक्षित रखेंगे बल्कि जलवायु परिवर्तन की गति को भी इस यूनियन टेरिटरी में कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के महानतम इतिहासकार कल्हड़ ने राज तरंगणी में लिखा है, यह ऋषि कश्यप द्वारा स्थापित ऐसा क्षेत्र है जहां सूरज धीमे से चमकता है, यहां अद्भुत प्रकृति के दर्शन होते हैं। कैलाश तीनों लोकों में सबसे उत्तम स्थान है, हिमालय कैलाश में सबसे उत्तम है और कश्मीर में पूरे कश्मीर हिमालय में सबसे उत्तम जगह है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। जब इस खूबसूरत जगह को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि अब आपके कंधों पर आ पड़ी है। मित्रों, आप जम्मू कश्मीर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए भी सरकार के, शासन के प्रतिनिधि के रूप में आगे आपको काम करना है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत 1857 में हुई है, जब वनों की सुरक्षा और उनके विवेकपूर्ण दोहन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत एक प्रशासनिक इकाई स्थापित की गई थी जिसे महले नवारा या फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन यूनिट कहा जाता था। बाद में सन 1891 में वन विभाग का गठन हुआ और वनों का सीमांकन करने के साथ साथ उन्हें बीटों, ब्लॉकों, रेंजों और डिवीजन में व्यवस्थित किया गया, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में वनों के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन की नींव रखी गई। भी मेरे पूर्व प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बातें कहना चाहूंगा। 1893 में फॉरेस्ट रेगुलेशन और रूल्स बनाए गए और जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इतिहास में मैंने पढ़ा 1902 में पहली बार सब डिवीजन लेवल पर भद्रवाह में पहला ऑफिस बना और उसके बाद 1908 में किश्तवाड़ में ऐसा ही ऑफिस जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए खोला गया। आपने शायद उसके बारे में अपने कोर्स के दौरान भी पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास का जिक्र करके मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वनों को बचाने और उनके संरक्षण में आपकी भूमिका किसी भी प्रकार से हमारी सेना या पुलिस से कम नहीं है। अपने कर्तव्य को पूरी शिद्दत से निभाने की आपकी रिच लेगेसी है। मुझे मालूम है कुछ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ ने तस्करों और अन्य वन अपराधियों का डटकर मुकाबला किया है और अपने कर्तव्य पालन में विभाग के कुछ कार्मिकों ने अपने प्राणों का भी सर्वोच्च बलिदान किया है। इस अवसर पर मैं दिन रात वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण की सेवा करने वाले वन कर्मियों की वीरता को नमन करता हूं। मैं वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी शहीदों को भी
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 11 सितंबर हर वर्ष जम्मू कश्मीर के सभी फॉरेस्ट ऑफिसेस में इन शहीदों की श्रद्धांजलि में एक कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए। आवाम को भी उनके त्याग और बलिदान की कहानी हम बता सकें, मुझे लगता है ये आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले मैं भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की रिपोर्ट देख रहा था। मुझे गर्व है कि फॉरेस्ट कवर में, जैसा गेरा साहब ने बताया, 348 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में अपना स्थान बना सका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि का मुख्य कारण वृक्षारोपण तथा संरक्षण की गतिविधियां हैं। इसके लिए मैं सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, कार्मिकों तथा श्री गेरा और सरिता चौहान जी को हृदय से बधाई देना चाहूंगा। इन वनों ने काफी बड़ी धनराशि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 15वें वित्त आयोग के अनुसार लगभग वार्षिक सालाना 1700 करोड़ रुपए अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को इसके कारण प्राप्त होगा। मैं इस उपलब्धि के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। किसी भी क्षेत्र की ताकत मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों में ही निहित होती है। जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा वनों के प्रकार पाए जाते हैं, जो देश के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक है और हमारे वनों के इकोसिस्टम की विविधता को भी दर्शाते हैं। मुझे बताया गया है कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के आकलन के अनुसार वनों में मिलने वाले टिम्बर, फायरवुड, चारा और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट का मौद्रिक मूल्य लगभग 3000 करोड़ रुपए का है, जो जम्मू कश्मीर की कुल GSDP के 2% से अधिक है। इको टूरिज्म और लकड़ी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे नए उपायों के द्वारा GSDP बढ़ोतरी में मुझे लगता है कि और योगदान दिया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। और मेरा आग्रह होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अन्य संबंधित विभागों के साथ बातचीत करके इस पर सुनिश्चित कार्यक्रम निर्धारित करे और आने वाले दिनों में इन कार्यक्रमों को पूरा करने की कोशिश करे और वनों पर ही आश्रित अपने भाइयों बहनों के लिए वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी गेरा साहब ने मेरे पूर्व इसको बताया है। संसद द्वारा वर्ष 2006 में पारित होने के बावजूद यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, जिसके कारण ये लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर हम जंगलों पर आश्रित समुदायों को न्याय संगत अधिकार प्रदान कर सकेंगे और इसके लिए फॉरेस्ट तथा ट्राइबल डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू हो जाने के बाद अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पारंपरिक फॉरेस्ट ड्वेलर्स समुदायों की आजीविका, सुरक्षा, गरिमा और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, संवेदना के साथ, मानवीय संवेदना के साथ इस काम को उचित ढंग से हमें करने की जरूरत है। मित्रों, जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बड़ा जरूरी है और इसे हमें सुनिश्चित करना होगा। वन विभाग की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं वन विभाग विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नए तरीकों पर भी खोज करेगी। मुझे विश्वास है कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के अंतर्गत 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी कहावत है, फॉरेस्ट हमारी जमीन के फेफड़े जैसा है, वे हवा को शुद्ध करते हैं जंगल हमारे और लोगों को नई ताकत देते हैं। इसलिए अपने फॉरेस्ट कवर के लिए इकोलॉजी रेस्टोरेशन और संरक्षण के मॉडर्न तरीकों, टेक्नोलॉजी
लॉजिकल उपयोगों और सक्रिय जनभागीदारी की आवश्यकता हमें होगी। हमें जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों और मजबूत करना होगा और पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण से भी मुझे लगता है कि जोड़ने की प्रबल संभावना जम्मू कश्मीर में हम सबको दिखाई पड़ती है। अफॉरेस्टेशन तथा वन संरक्षण के मैंडेट के साथ वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों जैसे ग्रॉस रूट इंस्टीट्यूशन को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जनभागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है, इस पर बल दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे स्थानीय शहरी निकायों तथा अन्य संबंधित विभागों, एनजीओ तथा सिविल सोसाइटी के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण का काम किया जा रहा है। मेरी अपेक्षा होगी, मेरा आग्रह होगा और सलाह भी होगी कि पौधारोपण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में स्कूली छात्रों को भी हमें शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे बचपन से ही उनमें प्रकृति के प्रति चेतना की भावना तथा समाज सेवा का भाव उत्पन्न हो। और मेरा आग्रह होगा कि खास शहरी क्षेत्रों में बाल वन, चिल्ड्रेन पार्क और सीनियर सिटीजन के लिए अगर हम पार्क बना सके खाली जगहों पर, और यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनें भी बहुत हैं, मुझे लगता है ये समाज की बड़ी सेवा होगी। मुझे लगता है कि इको क्लब भी अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम चलाते हैं, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे विद्यार्थी भाग लेते हैं और उसके लिए कोई वार्षिक पुरस्कार हम रखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में लोगों की अभिरुचि इसमें बढ़ेगी। मुझे देखकर अत्यंत खुशी हो रही है कि इसमें 3 महिला फॉरेस्ट गार्ड भी अपना आज प्रशिक्षण पूरा कर रही हैं। मुझे याद है पिछले साल कन्याकुमारी जिले की इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषा कुमारी फॉरेस्ट गार्ड बनी थी और उन्हीं के साथ की देवकी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर थी, नौकरी छोड़कर कोयम्बटूर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी उन्होंने ज्वाइन किया। उस मौके पर पूरे देश में जश्न मनाया गया। मुझे भी आज गर्व की अनुभूति हो रही है। वन संसाधन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका मैं मानता हूँ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज पास आउट होने वाले युवा फॉरेस्ट गार्ड से मैं उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा है मेरी कि वे सदैव इसका ध्यान रखेंगे तथा वन संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों के दौरान महिलाओं और ग्रामीण समुदायों की आवाज जरूर सुनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपके प्रयासों से ग्रामीण समुदाय का बोझ कम होना चाहिए तथा उनके लिए आजीविका के अवसर कैसे पैदा होंगे, इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता है। उन्हें जलाऊ लकड़ी, चारा और टिम्बर जैसी सेवाओं की समय समय पर आवश्यकता होती है। हमें अपने वैधानिक कानूनों के अंतर्गत हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, संवेदनशील मनुष्य के नाते हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आपको लकड़ी से जुड़े उद्योगों का भी ध्यान रखना होगा और रोजगार प्रदान करने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देना होगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाना मुझे लगता है ये शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल आप सभी को इन चुनौतियों के प्रति उचित दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व की भावना के साथ तैयार करने का एक सराहनीय कार्य कर रहा है। सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति पूर्णांक नहीं होता है। जीवन भर सीखने का अवसर सबको मिलना चाहिए। अतः आपने जिस ज्ञान और कौशल अपने प्रशिक्षण के दौरान हासिल किया है वो आपके करियर में नींव का काम करेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने अपनी योग्यता और उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जैसे वृक्ष बादलों को बरसने का निमंत्रण देता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक संपदा आपको निमंत्रण दे रही है और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि एक गुलाब का फूल भी सैकड़ों सितारों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मैं जम्मू कश्मीर की वन संपदा की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में आपके प्रयासों
के सफलता की कामना करता हूँ। एक दो छोटी बातें मुझे कहनी है। आप सबको मालूम है कि आज 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो मैं इसकी भी शुभकामना आप सबको देता हूँ। आज विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, इसकी भी शुभकामना देता हूँ। 4-5 दिनों पहले मैं डाची गांव गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, वहां अंगूर कितने हैं, कितने हम बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उसे हम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर सकते हैं, जो हमारी मान्यताएं जो हमारे लिए प्रतिबंधित है उसे रोकते हुए, क्योंकि कहीं भी जब यहाँ परमिशन लेनी होती है सरकारी तंत्र में, मुझे लगता है सामान्य आदमी को कठिनाई होती है। ऐसा कोई सिस्टम हम विकसित कर सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो उसे देख सकें, इस इलाके के लोग भी चाहें तो देख सकें, भले ही संख्या हमको सीमित करनी पड़े, लेकिन निश्चित सीमा जो हमारे लिए अपरिहार्य होगी, जिससे कोई नुकसान न हो पर्यावरण का, उसका ध्यान में रखते हुए इस पर सोचने की जरूरत है। पिछले दिनों में पुरमंडल गया, मैंने वहां देखा मानसर सुरिसर किले उत्तरवाहिनी। मुझे लगता है कि वन विभाग को उन प्राकृतिक स्थलों को भी देखने की जरूरत है कि वहां आप क्या कर सकते हैं। वहां की इकोलॉजी बचाने के लिए देश भर के लोग वहां आते हैं, अनेक कारणों से आते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरा काम हो सकता है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। तीसरा, वेटलैंड और वेस्टलैंड, अनेक प्रकार की पक्षियां हमारे हाथ में, मुझे लगता है कि इसको बचाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस पर जरूर काम करने की आवश्यकता है। इन 3 सुझावों के साथ मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।